प्रदेश में भानु प्रताप पूर्व विधानसभा के उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। अंतिम दिन शनिवार को प्रचार करने भानु प्रताप पूर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कितना भी कुछ कर ले चुनाव नहीं जीत सकेगी। आदिवासी, किसान और युवा कोई भी बीजेपी के साथ नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी पूरी तरह से उपचुनाव हार रही है, इसलिए फेस सेविंग के लिए कुछ भी बयान दे रही है। 3 तारीख आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, शाम को 3 बजे तक के सब चुनावी शोर थम जाएगा और फिर डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। आज 2 जगह कार्यक्रम है, पहले कोरर में और उसके बाद भानपुरी में, और 3 बजे से पहले ही इस चुनावी सभा को संबोधित करके हम लोगों को निकलना पड़ेगा। और भानु प्रतापपुर में जो स्थिति है बहुत अच्छी है कांग्रेस की, और ये दोनों जो लड़ रहे हैं वो अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं। भाजपा भी पूरी टीम के साथ वहाँ अध्यक्ष कहे हैं, सब की सब एक जगह तैनात होकर के मोर्चा संभाले हुए हैं वहाँ। वो कितना भी कर लें, लेकिन ना आदिवासी उनके साथ जाने वाले हैं, ना किसान उनके साथ जाने वाले हैं, ना युवा उनके साथ जाने वाले, ना महिला जाने वाले हैं। कल शाम को दस्तखत नहीं हो पाएगा। हाँ जी, देखिए राज्यपाल जी ने जो बात कही थी और मीडिया के सामने ही बात कही थी, या तो अध्यादेश लिया है या फिर विशेष सत्र बुलाया। आदिवासी समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि इससे अध्यादेश लाने के बजाय विधानसभा में इसको विशेष सत्र बुला के चर्चा होनी चाहिए, और उनके भावनाओं के अनुरूप हमने विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया, और उसमें चर्चा हुई। कल 11 बजे से लेकर 8 बजे रात तक के लगातार चर्चा हुई, जबकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था। और सारे वर्ग के जो जो प्रावधान हैं अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, EWS के लिए, वो सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। अब राज्यपाल जी से अपेक्षा कीजिए, उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने भावना व्यक्त की, और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी उसमें विलंब नहीं करेंगे और उसमें हस्ताक्षर होगा। प्रस्ताव कर दिया वो, देखिए कल विधानसभा के सत्रावसान के बाद हमारे सारे सीनियर मिनिस्टर उनके पास गए और फाइल हाथों हाथ दिए, किसी के माध्यम से भेजे नहीं। तो हम तो इतनी इसकी गंभीरता समझ रहे हैं, और पूरे जो लोगों की भावना है उनके अनुरूप काम किए, सत्र बुलाए, सत्राहूत हुआ, चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसको पारित किए, 29 पारित हुआ और उसके राजभवन भेज दिए। अब राजभवन से कब हस्ताक्षर को आ गया वो देखने की बात है। विपक्ष कल विधेयक जो है वो केवल और केवल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए लाया गया, आज फिर नारायण चंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरीके। देखिए मानसिक दिवालियेपन, एक उपचुनाव से क्या फर्क पड़ना है, ये पूरे प्रदेश की जनता का मामला है। चुनाव तो होते रहेंगे, ये तो उपचुनाव है, आम चुनाव भी होंगे, लेकिन ये जो काम हुआ कल वो मील का पत्थर है। जो जो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा उसका ये रोड मैप है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। तो उस भावना के अनुरूप ये काम हुआ है। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए, ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे हार रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि बस या राम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सीता माता को नहीं बोलते हैं। वैसे भी महिला विरोधी था ही इसके संगठन में, कहाँ महिला भी है, RSS में महिला भी है क्या, महिलाओं के तो है ही नहीं, नहीं। कभी वो महिला उसके सर सर क्या बोलते हैं, सर संचालक नहीं बनते है ना, सर कार्यवाहक नहीं बनते। तो ये तो महिला विरोधी उसके मानसिकता है ही, तो वो तो उनके नारों में भी परिलक्षित होता है, और हम लोग तो सीधा हे राम है, जय श्री राम लगातार हम लोग बोलते हैं। तो ठीक ही कहा है राहुल जी ने, थैंक यू। बैठक है CWC की बैठक, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है, तो शाम को ही मैं जाऊंगा क्योंकि कुछ कल सुबह 10 बजे ही बैठक है।